सुनो जी, बाबा भूतनाथ ना अपने शहर में आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, ये बाबा भूतनाथ कौन? अरे वही जिनका हॉरोस्कोप में रोज सुबह पढ़ती हूँ। एक कोई गल है जी, वो ना अपने शहर में आ रहे हैं तो मैं उनके दर्शन के लिए ना जरूर जाऊंगी। बड़े दूरदर्शी है वो, सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा बेटे, हम क्या कहते हैं, उनको वो बिल्ली भी दिखेगी जो हमें खाने सुनाई देती है? हाँ हाँ जरूर दिखेगी। अरे बिटिया, तो हमारा एक काम कर दियो है, उनको ये पूछना कि वो सुनाई देने वाली बिल्ली हमें मिलेगी कब। उन्हें ये भी पूछ लेना हमारा गबरवा जो है उसका मालिक मिलेगा कब है? और अगर बाबा भूतनाथ जी ने कहा कि गब्बर का मालिक मिलेगा नहीं, तो बिटिया एक काम करना, हमारे गांव जाने की टिकट कब मिलेगी ना, ये पूछ लेना उनको। नहीं महाराज ताऊ, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी चाहती हूँ कि गब्बर यहाँ से चला जाए। इतना डर लगता है मुझे उसका, पता नहीं कब काट ले। मम्मा, अरे पराठा खाओ, खा ही लो। मुझे कुछ नहीं खाना। मिहिर, सानिया, हाय। सानिया, हाय। सानिया, हाय। अरे इतना हाय हाय करेगा तो सानिया यू ही समझेगी कि या तो इसका पेट खराब है या दिमाग। सानिया, हाय। हाय अमर। हाय के बच्चे। पर ये अमर भैया ने कोई कॉल सेंटर तो ज्वाइन नहीं किया ना? अरे ना भाई, सानिया से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा है वो। ओहो, फिर से नई कहानी। अरे भाई तुम ना समझोगे पर मैं इसकी कहानी समझूं। प्रिंसेस को देख के हमारा भी सेम टू सेम हाल हो जावे ना। हम दोनों एक ही नाव में सवार पप्पूस हैं जो चाहत के तालाब में चला रहे चप्पूस हैं। हाय अमर। हाय मिहिर। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अमर, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी एंड आई होप तुम मुझे मना नहीं करोगे। नहीं यो ना, क्या हाँ भी ना कह पावे। मुझे एक न्यू एड मिला जिसमें गब्बर जैसे एक क्यूट डॉग का रोल है। क्यूट? यो छोरी घनी समझदार से, मैं बता रहा। बट एक प्रॉब्लम है, उन्हें कोई डॉग नहीं मिल रहा। सो आई थॉट कि अगर गब्बर भी मेरे साथ एक्ट कर लेता तो एड का शूट कल ही हो जाएगा। अरे सानिया, गब्बर हो क्या, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। ओके। यो छोरी घनी बावली से, मैं बता रहा। ले जाओ इसे। मीर भाई, कह दे इससे कि मन ने ना करने को शूटिंग वूटिंग। एक्सक्यूज मी, तुम बैठो ना। ओके। भैया वो कपर शूटिंग करने के लिए मना कर रहा है क्या? अभी क्यों मीर, ट्राई तो कर, वो तेरे बोलने पे जरूर आएगा। ये मेरी इमेज का सवाल है। इमेज सवाल? सॉरी सॉरी सॉरी। हाय, वैसे भी मैं मैथ में बहुत वीक हूँ। अरे मिहिर, मैं तुझे मैथ में फुल मार्क्स दिला दूंगा। अरे मतलब मैं तुझे वो अपना वीडियो गेम है ना, वो दे दूंगा। और वो न्यू स्केटबोर्ड वो भी दे दूंगा। ओके, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वो मेरी फेवरेट कॉमिक दे दूंगा। मैच में अपने आपको इतना वीक बोलते हैं, लेकिन हिसाब एकदम सही। अब सानिया, डील डन। कहानी इतनी सह की मारे बेस्ट फ्रेंड मिहिर ने तारे पे विश किया, मारे को डायलॉग में बदल दिया। मैं बोल तो सकूं पर सुन सका सिर्फ मिहिर और तम लोग। फिर मैं मिहिर के घर पहुंच लिया, मम्मी ने मारे को देख के चीखा मम्मी। डैडी ने न्यूज़पेपर में मिसिंग का एड छाप दिया। जो भी हो भाई, मन्ने तो घना प्यार से इस फैमिली से। अरे अब तक आंखें फाड़ के ताकरियों से मैं बोल सकूं गब्बर पूंछ वाला।
फिर क्या कर रहा है? ये गब्बर से बात कर रहा है। उसे क्या लगता है पता है कि वो गब्बर एलियन है और अब मीर को ऐसा लगता है कि वो उसे बात कर सकता है और अब इस बात के पीछे मैं उसका दिल तो नहीं तोड़ सकता। वैसे कितना फर्क है ना तुम दोनों ब्रदर्स में। आ, वो तो है, मैं थोड़ा ज्यादा केयरिंग हूँ और वो समझता ही नहीं। नहीं नहीं, मीर को देखो वो गब्बर की लैंग्वेज भी समझता है और तुम्हें क्लास में टीचर का एक लेक्चर भी समझ नहीं आता। देखो गब्बर, तुम तो सेम चप्पू वाले पप्पू ना अमर भैया के, उनका हाल तो तुम समझते ही होगे। अरे लेकिन तुम तो समझो भाई, अगर मैंने ऐड किया तो तुम्हारा असली मालिक वो ऐड देख के मन्ने सूंघता हुआ चला आवेगा, फिर तुम मन्ने सिर्फ टीवी पे देखना इस घर में ना। एक मिनट। भैया गब्बर नहीं मान रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाई, ऐसा मत बोल, मैं सानिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं यो ही दिखा देगा जिससे बोल रहा है वो। अमर, अगर गब्बर नहीं आना चाहता तो इट्स ओके, वैसे भी एक दो दिनों में नया डॉग मिल ही जाएगा। चलो मैं चलती हूँ, मुझे प्रिंसेस को ऐड के लिए रिहर्सल भी करवाना है। प्रिंसेस भी जा रही है? बाय मीर, बाय अमर। भाई मन्ने यो ऐड करना से, मन्ने करना से, मैं चलूंगा शूटिंग पे। अरे अरे रोक ले सानिया को, रोक ले। लेकिन वो तुम्हारे मालिक की प्रॉब्लम। अरे भाई पहले सानिया को बता दे कि मैं शूटिंग को तैयार हूँ, फिर मैं तन्ने सब बताऊंगा। सानिया सानिया, गब्बर इज रेडी। रियली थैंक यू, थैंक्स अमर, थैंक्स गब्बर, आई सी यू टुमारो। ओके मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। मीर भाई मैं तो खुशी से बावड़ा 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 हो जाऊंगा। अरे बावड़ा हो जाऊंगा मैं भाई, मैं तो बावड़ा हो गया रे, अरे गांव वालों बावड़ा हो गया भाई। अरे गब्बर, अच्छा ये बता कि तुम शूटिंग के लिए रेडी कैसे हो गए? छोरे अब सीन चेंज हो गया ना, हीरो को उसकी हीरोइन पुकार रही है, प्रिंसेस वैसा तो देखती भी ना मन्ने, इब हम दोनों पूरा एक दिन एक साथ रहेंगे एड की सूट पे। देखो गब्बर ना मन्ने, इब कुछ ना दिख रहा, लव इज ब्लाइंड। लेकिन गब्बर वो तुम्हारा पुराना मालिक, अगर उसने तुम्हें टीवी पे देख लिया तो। भाई कभी कभी मोहब्बत इम्तिहान भी ले, मगर इस डर से कोई आशिक पर्चा भरना थोड़ी छोड़ दे। मैं जाऊंगा, इट्स फाइनल। गब्बर मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने माइक के पास नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें ऐसा गेटअप करूंगा कि तुम्हें प्रिंसेस भी नहीं पहचान पाएगी। Hi, are you Singh? No, I'm Amar. No, it's my name. Are you Singh? Ramesh Atwal Singh. मैं assistant director हूँ. मैं आपको आपका makeup room दिखाता हूँ. चलिए. आह, क्या बात है चमका. अरे, आ गए बिटिया. हाँ, कैसा रहे तो और वो महाराज के दर्शन? अरे, बहुत अच्छे रहे महाराज जी. यह तो जन्म सफल हो गया. अच्छा, बताइए अमर और मीर कहाँ हैं? अरे वो दोनों गए हैं कोनो शूटिंग देखने उस सनिया बिटिया के साथ, और वो गबरवा को भी ले गए हैं। अरे रब्बा, आज बाबा भूतनाथ ने कहा था कि घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर न जाए। अब की का बात हुई बिटिया, अब बताओ किसी को कुछ काम होगा तो घर के बाहर जाएगा कि नहीं? कि महाराज जी, बाबा भूतनाथ की बात मान लेने में हर्जी क्या है? हेलो अमर पुत्र, किथे है तू? ये एड फिल्म एक पेट फूड का है और आपका इसमें पेट ओनर गर्ल पिंकी का कैरेक्टर है। हेलो प्रिंसेस जी। और के चाल रहा प्रिंसेस जी? डोंट टॉक, आई हैव कम हियर फॉर सानिया, नॉट टू चिट चैट विद यू। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क,
अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट फ्रॉम हियर, समझे? ना जी, लेकिन सुन के अच्छा लगा, मजा आ गया जिंदगी का। और ये आपके दोनों पेट्स, ये इतना सिर चढ़े हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए। चिकन, एग, स्वीट्स, कुछ भी नहीं खा रहे यार। झूठ बोला गब्बर काट है। जो सब तो मन्ने बहुत पसंद है। बस मन्ने एक बार पता लग जावे कि खाना है कहाँ, फिर इसे कभी पता ना लगे कि खाना था कहाँ। What a cute dog. ऐसा ही सेम डॉग मैंने अपने फ्रेंड का फाइनल किया था, घर से भाग गया। मीर भाई, गब्बर, 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 ये विजय के डॉग का नाम भी गब्बर था। क्या हुआ गब्बर, तुम चुप क्यों रहे हो? भाई यो पूछ की के ना हुआ, जो डायरेक्टर हमारे पिछले मालिक का दोस्त है, और जिस डॉगी के बदले मन्ने एड मिला ना, वो मैं खुद सू। अगर इन मन्ने पहचान लिया तो यो मन्ने हमारे मालिक को दे देगा। ओह नो, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने बोला कि लव इज ब्लाइंड, देख नहीं सकते थे तो कम से कम दोस्त की बात सुन तो सकते थे ना। अरे लेकिन उसके लिए दिखना तो चाहिए ना कि दोस्त बोल रहा कि दुश्मन। इब तम मन्ने बराबर दोस्त दिख रहे। मन्ने बचा ले भाई, मन्ने बचा ले। लेकिन क्या करूं, अमर भैया को असलियत भी नहीं बचा सकता ना। छोरे, जब असलियत की खिचड़ी टेस्ट ना देवे तो उस पे भान्ने का रायता फैला देना चाहिए। फैला दे रायता। आइडिया, कम ऑन। अमर भैया, हम ना गब्बर को यहाँ से लेके चले जाए। गब्बर को? हा? नहीं नहीं नहीं, अगर गब्बर को लेकर चले गए तो सारे के हाथ से एड मिस हो जाएगा। नहीं, अरे अगर हम यही रुके तो सानिया की कैट यहाँ से चले जाएगी। मतलब भैया, वो जो डायरेक्टर है ना, हाँ? वो ना पेट स्मगलर है। पेट स्मगलर? क्या बात कर रहे, तुझे कैसे पता? अरे नेट कितना स्लो है। वो देखो, सुनो विकी, दूसरा ही लेके आना यार, किसी काम का नहीं है ये। सुना आपने, वो पेट को नेट से पकड़ते हैं। सोचो अगर उन्होंने प्रिंसेस को पकड़ लिया तो सानिया। नहीं नहीं, ओह डियर, अमर अगर इन्होंने मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीन लिया तो। सानिया तुम फिक्र मत करो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आई मीन तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। हम यहाँ से भाग चलते हैं। एक मिनट, तुम लोगों ने इसका क्या नाम बताया था? खोजो, जो 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 जो। अभी तो तुम लोग इसे गब्बर बुला रहे थे। नहीं, हम उसे कह रहे थे लेकिन उसे डराने के लिए। कहते हैं ना कि 50-50 कोस दूर जब कोई डॉगी रोता है तो मालिक कहता है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। वैसे आप ही सोचो कि कोई मालिक अपने डॉगी का नाम गब्बर रखेगा। इब यो मन्ने बचा रहा ना होता ना तो कोई इसने मारे से बचा रहा होता। शकन। इसे क्या हुआ यार? अब वो क्या है ना, जब इन्हें बहुत भूख लगती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और अगर हम इन्हें कुछ खाने के लिए ना दे तो ये हमें खाने के लिए दौड़ते हैं। अच्छा, लेके जाओ इसे यार, कुछ खिला के लाओ। हम इनको मेकअप रूम में ले आते हैं पैकअप करने के लिए। पैकअप? मतलब इनको भूख लगी ना तो कुछ खिलाएंगे। लेके जाओ यार। मीर, तूने गब्बर का नाम हो जो 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 क्यों बोला? अरे हो जो 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 नहीं, जो जो। एक ही बात है ना। अरे वो सब छोड़ो, अब ये सोचो यहाँ से निकलना कैसे है। ये मुझे पक्का यकीन है ये विजय का वही वाला डॉग है। 100%। फिर सर आप उन्हें फोन करके बुला ही लो ना। और क्या कर रहा हूं मैं, हैं? फोन नहीं मिल रहा है उसका। जाओ तुम जाके देखो डॉग को खाना खाना लेके दे, अभी तक आया क्यों नहीं? यस सर।
यार ये कैसे कैसे असिस्टेंट दे दिए मुझे। सर वो लोग मेकअप रूम में नहीं है। मुझे पता था वो भाग जाएंगे, ढूंढ के लाओ उन्हें। हम लोग कब से यहाँ घूम रहे हैं, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? गब्बर तुम रास्ता ढूंढो ना, अपनी नाक का इस्तेमाल करो। भाई घबराहट में थारी तरह मारे भी बस पैर चले, नाक ना चलती। चलो चलो गब्बर जल्दी जल्दी जल्दी, अरे वो लोग देख लेंगे। ए, रुको 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 रुको, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से। अमर मिहिर ये सब क्या हो रहा है, घर चलो। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें ऐसे नहीं लेके जा सकते। हो कौन आप? मैं कौन हूँ? कौन हूँ आप? मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अरे आप ये बताते हैं। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। ये पुलिस कमिश्नर की बहन है। मैं पुलिस कमिश्नर की बहन हूँ? देखा कहा ना, मैं पुलिस कमिश्नर की बहन हूँ। और ये भी उनके साथ है हवलदार पांडुरंगा। हम पांडुरंगा? देखा कहा ना, ये भी इनके साथ है। और ये डॉग के साथ, ये कैट भी उन्हीं की है। कैट भी मेरी है? देखा इन्हीं की है। एक्चुअली हमारा शूटिंग देखने का बहुत मन कर रहा था, हमें यहाँ एंट्री मिल जाए, इसलिए हम इनके पेट को यहाँ लाए। लेकिन आपका बैड लक था कि इन्हें पता चल गया, अभी हमारे साथ आपको भी जेल जाना पड़ेगा। मैडम जी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, सब इन्होंने किया। मैं तो एड शूट कर रहा था, आज के बाद वो भी नहीं करूंगा। रमेश पैकअप कर यार, पैकअप। मॉम आई लव यू। मॉम आपकी टाइमिंग क्या परफेक्ट थी, थैंक यू। मॉम की एंट्री ना एकदम करेक्ट ही होती है। लेकिन एक बात तो बताओ, मुझे पुलिस कमिश्नर की बहन क्यों बनाया तुम लोगों ने? मॉम वो लोग ना पेट स्मगलर थे। अच्छा, वो लोग गब्बर और प्रिंसेस को चुराने आए थे। ओह गॉड, चलो चलो हम पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। मॉम आप टेंशन मत लो, हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में यहाँ आती होगी। भाई रे मम्मी जी को महारा भी धन्यवाद बोल दे। मॉम गब्बर भी आपको थैंक्स बोल रहा है। ये कब बोला? अरे ऐसे रख दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो घर चलते। चलें? हाँ चलो चल। आज मम्मी जी ने पहली बार मन ने टच किया, देखना मैं जल्दी इनके दिल को टच करूंगा।